और लास्ट नंबर 3 स्थित विराट अंबे स्पोर्ट्स क्लब में सोमवार यानी कि 14 मार्च को सिंधु एजुकेशन सोसाइटी व वानिया फाउंडेशन की ओर से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। आइए आप सभी को भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मौजूद कुछ खास महिलाओं से। शिक्षा में सबसे बड़ी चीज होती है जमीन, बेटियों के लिए ज्यादा कुछ ना कर सके उन्हें शिक्षा भी दे दी तो वो आसमान छूने की ताकत रखती है अपने खुद के होने से, अपने खुद की इस बात का एग्जाम्पल है उलापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की डीएमसी प्रियंका राजपूत जी। सरिता मैडम बहुत भेजे दूरी आवाज में कह रहे हैं कि ड्यूटी श्रीमती रेखा शाह मैडम का ग्रेट कोरियोग्राफर सर आपके कार्यों का सम्मान है माननीय रजीश बरेचा जी को सम्मान करते हुए। सर के महान कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए और फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत करते हुए। देखिए पॉलिटिशियंस कैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, ये बात की बात है, लेकिन आज आपने टॉपिक दिया है रोल ऑफ पॉलिटिशियंस वर्सेस रोल ऑफ पब्लिक। तो मैं कहूँगा रोल ऑफ पॉलिटिशियन 100% होता है, पब्लिक का जो विकास में परसेंटेज होना चाहिए 100% वो होता कहाँ है। तो आपसे रोज तो कैसे उठना नहीं है तो जागना है जी सर। देखिए पब्लिक अगर जागृत है तो नेता भी जागृत होना पड़ेगा, अगर पब्लिक सो गई तो नेता भी सोने का ही काम करेगा, इसलिए पब्लिक की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहूँगा कि हर जगह की पॉलिटिशियन सेम होती है और पॉलिटिशियन जो भी काम करता है उसमें तो पब्लिक का हक होता है, मगर पब्लिक के हित के अलावा पॉलिटिशियन का अपना भी एक स्वार्थ होता है और ये पब्लिक बखूबी जानती है। ये सोचना पब्लिक का काम है कि किस पॉलिटिशियन को चुना जाए। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।